नमस्कार। आज एक नया विषय जिस पर चर्चा नहीं होती है, आज उस पर चर्चा करनी बहुत आवश्यक है और नई जानकारी है सभी दर्शकों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। बात करेंगे 27 नक्षत्रों के अलावा अभिजित नक्षत्र की। अभिजित नक्षत्र एक मुहूर्त भी होता है और अभिजित नक्षत्र भी होता है। अभिजित नक्षत्र कब आता है और इसका जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनका जन्म अभिजित नक्षत्र में हुआ होगा, लेकिन उनको आज तक ये पता भी नहीं होगा कि उनका जन्म अभिजित नक्षत्र में हुआ है। कारण क्या है? मकर राशि में आने वाले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण को पूरे को लिया गया है मकर राशि में, और अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र की 4 घड़ी, कुल मिलाकर के जो 30 अंश हैं चंद्रमा के मकर राशि के, 6 अंश 12 कला से लेकर 10 कला, 10 अंश और 52 कला और 22 विकला, ये मिनट और सेकंड की तरह होते हैं, ठीक इसी प्रकार ये नक्षत्र का मान है। तो जो दर्शक जिनको आज तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण देखते आए हों, भले ही उनकी सूर्य की महादशा जरूर होती है, लेकिन अभिजित नक्षत्र को 28वां नक्षत्र मानते हैं। इसके अलावा अभिजित वेगा शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है विक्टोरियस, चमकीला तारा, जो कभी पराजित नहीं होता। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी इसकी चर्चा है नक्षत्रों में, क्योंकि 28वां नक्षत्र है। और तैतरीय संगीता अथर्ववेद में 28वें नक्षत्र के रूप में इसकी कई जगह पर चर्चा आई है। उसके अलावा उत्तरी तारा मंडल में सबसे चमकीला तारा पोल स्टार के रूप में इसी को कहा गया है। इसको ज्यादा महत्व क्यों दिया गया है, इसके महत्व को अब अगले 2-4 मिनट में आप समझ पाएंगे। कारण क्या है कि अभिजित एक ऐसी घड़ी है जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान राम ने इसमें जन्म लिया, और विष्णु जी का जन्म भी अभिजित में, यानी कि उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं। अगर कोई मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है कि जिन लोगों को आज तक ये पता भी नहीं होगा कि हमारा जन्म अभिजित नक्षत्र में, कि तो उनको अवगत कराया जाए। कम से कम 12 करोड़ लोग होंगे जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा, और चतुर्थ चरण जो है वो आता है अभिजित नक्षत्र के नाम पर चलता है, उसका जो अकाउंट है, अकाउंटेबिलिटी किसके खाते में जाएगी, अभिजित नक्षत्र के। और श्रवण नक्षत्र की 4 घड़ी भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी, वो भी समावेश है दोनों का। तो टोटल जो है लगभग 4 अंश से अधिक, 4.5 अंश माना जाएगा, एक मोटा सा हिसाब बताया मैंने, इसीलिए बताया कि 6 अंश और 20 कला और से लेकर 10 अंश और 52 कला और 20 विकला तक इसका एक प्रमाण है। अब हम बात करेंगे कि अभिजित नक्षत्र के दौरान जिनका जन्म होता है उनकी क्वालिटी और खासियत क्या होती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, पराक्रम, साहस के साथ साथ अद्वितीय क्षमता, जो कोई काम नहीं कर सकता वो कर सकता है। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो 5-6 साल की उम्र के ही हैं और 10वीं
क्लास का जनरल नॉलेज और उनका गणित और फटाफट कर देते हैं, तो आईक्यू लेवल आईक्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। यही कारण है कि 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र से लेकर के कई प्रकार की विद्याओं में निपुण थे सभी। तो अब ये जो है उस नक्षत्र में ब्रह्मा जी की कथा बहुत विस्तार से जुड़ी हुई है। अगर हम उस कथा को आरंभ करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। विष्णु जी की कथा का भी इससे संबंध है, वो भी विषय जो है बहुत लंबा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि आप मकर राशि के जो जातक हैं, अब हर नक्षत्र को आप चार चरणों में विभाजित किया है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है 27 नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र के चार चरण हैं, 27 को चार से गुना करते हैं 108 आता है। 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, 12 को 9 से गुना करेंगे तो भी 108 आएगा। लेकिन अभिजीत नक्षत्र को ये वरदान है विष्णु भगवान का, रहेगा 27 नक्षत्रों के मध्य, लेकिन ये जो दो नक्षत्र हैं इनके हिस्से में इसको बांट दिया गया। उस प्रारूप के दौरान ये जो अंश और कला और विकला का स्वरूप दिया गया है, चार चरण उत्तराषाढ़ा के और शुरू की चार घड़ी श्रवण नक्षत्र की है, तो इस दौरान भी उस कालखंड को जो अभिजित नक्षत्र का होगा उसको भी हम चार हिस्से में करेंगे। अब हर नक्षत्र का एक नियम है जो ज्योतिष जानते हैं, बेसिक नॉलेज जिनको है उनकी को मैं बताना चाहूंगा। एक सिस्टम है, अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्रों की जो श्रृंखला है उसमें नाम दिए गए हैं, चूचे चोला अश्विनी लीलू लेलो भरणी अयुए कृतिका, इस तरह से जो ओ भावी बुरोहिणी विवो कैकी मृक्षिरा कुघ यछ आद्रा, ऐसे लास्ट तक दे दो च और ची, ये रेवती तक है। लेकिन अब ये चार अक्षर अभिजित नक्षत्र के भी तो होने चाहिए, उसके भी नाम है। देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भेभो ज जी, भेभो ज जी खखी खुखे वो उसमें आता है मकर राशि में, लेकिन एक नया अक्षर जो अभी तक किसी का नहीं आया होगा तो ये चार अक्षर मैं बता रहा हूं, जू जे जो खा, जू जे जू अक्षर से जिसका नाम पड़ेगा जू देव, जुगेंद्र या जो, जोगराज, जोगेंद्र, ये अगर सिस्टमेटिकली अकॉर्डिंग प्लेनेटरी पोजीशन जब हम निकालते हैं गणित, तो उस समय उसके जो क्लासिफिकेशन होगा उसको जो हम डिवाइड करेंगे चार भागों में उस कालखंड को अभिजित नक्षत्र के जू जे जोखा ये नाम के अक्षर उसको अलॉट किए जाएंगे। अब यहां सवाल उठता है कि जितने भी पंचांग बनाने वाले जो हमारे पंचांग करता है गणित शोधन करते हैं वो लोग भी इसको इंक्लूड क्यों नहीं करते होंगे, कारण क्या है कि बहुत कम सूक्ष्मांतर को गणित करने में तथा 28 नक्षत्रों में विभाजित करते समय कुछ लोगों को शंका ना हो, इसलिए लोगों की सुविधा के लिए 27 नक्षत्र का ही प्रयोग करना पड़ता है। परंतु जनरल नॉलेज के तौर पर जो लोग बहुत सुलझे हुए ज्ञाता हैं, विद्वान हैं और एक एक चीज को बहुत बारीकी से माइक्रो फाइंड करते हैं, तो उनका कर्तव्य होता है और देखा भी है हमने बड़े बड़े विद्वानों को इस विषय पर, बड़े बड़े शोधकर्ताओं की चर्चा परिचर्चा हुई है और बहस हुई है इस बात पर, क्योंकि ये एक खोज का और अनुसंधान का विषय है। आम तौर पर ये सभी वेद शास्त्र और हर प्रकार की विधाएं ज्योतिष के सिद्धांत गणित से लेकर फलादेश तक सब में इसकी चर्चा
होती है। तो आज जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि मकर राशि में उत्पन्न हुए जातक जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण है और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में शुरू की चार घड़ी में जन्म हुआ होगा, उनको अपना गणित अपने निकटतम अच्छे किसी विद्वान से संपर्क करके ये पता जरूर करना चाहिए। अगर आपका जन्म अभिजित नक्षत्र में है तो यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, आपके अंदर वो प्रतिभा है जो हनुमान जी के अंदर थी। उनको ये नहीं पता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, लेकिन ये वरदान भी था कि अगर कोई उनको स्मरण कराएगा कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो आप अपनी प्रतिभा को पहचान पाएंगे। आईक्यू लेवल के साथ साथ उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, जो काम कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है, सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन के साथ साथ अतींद्रिय ज्ञान ये होता है कि पूर्व होने वाली घटनाओं के प्रति उनको पहले से ही पूर्व आभास हो जाता है। ऐसा शास्त्रों का नियम कहा है, ऐसा प्रिडिक्शन ऐसा अभिजीत नक्षत्र के विषय में बताया है। अब हम ये विषय पूरा नहीं हुआ, अभिजीत नक्षत्र की चर्चा हुई है, अब आते हैं अभिजीत मुहूर्त की तरफ। अभिजीत मुहूर्त रोज आता है, रोज आएगा, लेकिन कब आएगा? जो गणित करता है आमतौर पर, साधारण पब्लिक, साधारण मनुष्य भी इसका हिसाब लगाता है, सूर्य उदय से लेके और सूर्य अस्त तक का जो समय है उसका बीच का हिस्सा ले लो। मान लिया आपका आज का सूर्य उदय 6 बजे है, साधारण गणित, तो 6 घंटे बाद सूर्य 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात होगी। कई बार इसमें विषमताएं, सर्दी और गर्मी के हिसाब से कभी भी रात बड़ी होती है, कभी दिन बड़ा होता है। तो एक सामान्य रूप से समझिए कि 6 बजे अगर सूर्य उदय हुआ है तो ठीक 6 घंटे बाद 12 बजे से 24 मिनट पहले और 12 बजे के 24 मिनट बाद अभिजित मुहूर्त रहेगा। अभिजित मुहूर्त में किया हुआ कोई भी कार्य असफल नहीं होता। आपने देखा होगा रामचरितमानस में वर्णन आया है, भगवान राम का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में 12 बजे हुआ, यानी के जैसा अभिजित मुहूर्त दिन में आता है ऐसा ही रात्रि में भी आता है। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल एकदम मध्यान्ह, अभिजित का जो मध्यान्ह समय है 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो बीच का समय है, उस समय भगवान विष्णु और 16 कलाओं से परिपूर्ण एवं रघुकुल इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले भगवान राम इसी मुहूर्त में इस पृथ्वी पर उनका प्राकट्य हुआ है। तो इस मुहूर्त को समझते हुए कई बार इधर उधर लोग परेशान होते हैं, हम गाड़ी कब खरीदें, कब मुहूर्त करें। आपको अभिजित मुहूर्त की परिभाषा बता दी गई है, आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा, रोज आता है। और एक आपके नए जानकारी के लिए बताएं, बुधवार के दिन 12 बजे राहु काल आरंभ होता है, 12 से 1:30 बजे तक। अगर आपको डर लगता है राहु काल जैसी चीजों का, जब अभिजित नक्षत्र ऐसा होता है जैसे कि भगवान, ऐसा उदाहरण आया शास्त्रों में, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे, जैसे कि सुदर्शन चक्र जब चलता है तो उसके सामने कोई नहीं आता, ठीक इसी प्रकार अभिजित मुहूर्त में किया हुए कार्य के सामने कोई बाधा ऐसे नहीं आती जैसे कि सुदर्शन चक्र के सामने कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। तो राहु काल की तो औकात ही क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।